सब एक हो जाओ आजादी का दीप जलाओ। कोल्हापुर में शेख नाम के एक हमारे सदर है बामसेप के, उनका लड़का बीएससी हुआ था, वो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। एक दिन उसके दुकान पर एटीएस ने धार डाली, एकदम हमला बोल दिया और उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। अभी अभी की बात, कुछ साल पहले बात है। अब उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया ये कहकर ये सिम बेचता था आतंकवादियों को और इलीगल मोबाइल बेचता था और इसका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ। जब इसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गया, उसने अपने अब्बू को फोन किया और कहा, अब्बू आज मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। रो कर कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ मगर मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब्बू समझदार थे, कहा, बेटा अल्लाह आपके साथ है, तूने कुछ नहीं किया, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मगर वहाँ सबूत चाहिए। ठंडे दिमाग से सबूत जरा ढूंढ तो, हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। वो पढ़ा लिखा लड़का था, सारे सामान जब्त किए मगर उसके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे की जो मेमोरी होती है वो अलग होती है, सब चीज लेके गए, मेमोरी महफूज थी, सबूत सारा दस्तावेज क्या हो रहा था रिकॉर्ड हो गया था। फिर उसकी कैसेट बनाई, कोर्ट में पेश की। जब मैंने खुद वो वीडियो देखा, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, उसे आतंकवादी बनाया गया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये मिसाल दे रहा हूँ। कोई औरत खाना पकाती है तो हर दाने को चेक नहीं करती, अगर चावल पक रहा है तो एक ही को देख लेती है और मान लेती है खाना पक गया। एक ही मिसाल है, आतंकवादी कैसे बनाया जाता है, यानी झूठ मूठ का आतंकवादी है नहीं। सारे लोगों ने उसको घेर लिया, उसको गाली देना शुरू किया, बहुत परेशान किया, उसको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, एटीएस वाले लोग क्यों आए। फिर एक आदमी मोटा सा आगे बढ़े, उसके मेज के सामने, टेबल के सामने इधर उधर घूम रहा है, टेलीफोन पर बात कर रहा है। 5-10 मिनट हो जाते हैं, ऊपर के जेब में से 5 मोबाइल हाथ में लेता है, दोनों जेब में से 5-5, 6-6 मोबाइल हाथ में लेता है, दोनों पीछे के जेब से मोबाइल निकालता है और इन शर्ट कई सारे मोबाइल हो तो उसको निकालता है। ऐसे 20-25 मोबाइल होते हैं और उस लड़के को दिखा कर कहते हैं, देख तेरे यहाँ ये मोबाइल मिले। मोबाइल कहाँ से है, वीडियो बता रहा। जब ये सबूत पेश किया तो जज भी परेशान हो गया कि इसको तो टेररिस्ट घोषित किया था। अखबार वालों ने तफ्तीश के पहले, इस देश का मीडिया इतना बिकाऊ है, एकदम टेररिस्ट, फिर न्यायपालिका किस लिए, जांच एजेंसियां किस लिए है? ए जालिम लोग, आपको और नहीं हमारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ माहौल कर रहे हैं। जब ये वीडियो पेश किया तो जज भी उन्हीं का था और उसने उनके प्रति रहम किया, उस बच्चे और मुसलमानों के प्रति रहम नहीं किया जो बेकसूर था। फैसला देते हुए कहा, इसको बाइज्जत रिहा करते हैं, मगर उन्होंने डिमांड किया, हमारा बच्चा बेकसूर था, हमारा बच्चा अगर आप आतंकवादी घोषित करते आप क्या, हम उसको सूली पर चढ़ाते, वो बेकसूर है और उसको फंसाया जिन अधिकारियों ने, आप उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करो। जज मेहरबान ने कहा, वो लोग अंशतः दोषी है। बड़ा अजब न्याय। औरंगाबाद में बेग नाम का लड़का है, उसकी केस हम बामसेप के द्वारा चला रहे, उसको 2 बार एटीएस वाले बॉम्बे उठा कर लेके गए, उसके साथ वसूलूकी की गई, जब वो वापस आया बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया। जर्नलिस्ट लड़का 38 साल का, एक दिन भाई काम धाम के लिए बाहर गया, अपनी घर की महिलाएं कई बाहर गई थी, बच्चे स्कूल गए थे, 2 नन्हे बच्चे थे, बीवी थी, भाई थे, भाभी थे, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया
और फैन को रस्सी बांधकर मर गया।